तो कृष्ण जी की भक्ति यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि आज जन्माष्टमी भी है और जो हमारे साथ आज जुड़ने वाली है उससे हम बात करेंगे इस बालिका से कि इतनी मधुर कह सकते हैं कि भक्ति में विलीन। चलिए बस इधर। तो ये अभी काफ़ी देर से यहाँ पर ना रील बना रही थी, बहुत अच्छा मधुर कह सकते हैं कि डांस कर रही थी, तो मैंने सोचा इनसे बात कर लें कि यहाँ कैसे आना हुआ और यहाँ कैसे आए, पहली बार आए? फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं यहाँ। क्या करते हैं वैसे? मैं वैसे योगा करती हूँ, योगा टीचर हूँ। अरे क्या बात है, तो हमारे साथ योगा टीचर जुड़ी हुई हैं जो कि तभी इतना अच्छा फ्लेक्सिबल डांस करके दिखा रही थी आप। तो यहाँ आने का कैसे मन बना सुबह सुबह वो भी? हाँ, कल रात को प्लानिंग करी थी यहाँ आने के लिए कि जाना है, किसी कारण मतलब हमारे सारे फ्रेंड्स नहीं आ पाए, तो बट मेरा था कि भाई आना तो है ही। ऑनलाइन भी करवाती हूँ, ऑफलाइन भी। अच्छा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। हाँ, योगा आप करा? स्टूडियो में, जिम में। ओके। तो यहाँ का क्या रहा? फर्स्ट टाइम आई, बहुत अच्छा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए, फर्स्ट टाइम आई। कितने टाइम हो गया योगा कराते हुए? मैं फोर्थ क्लास से कर रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत लॉन्ग टाइम हो गया। या तो अब योगा ऑनलाइन ऑफलाइन कहाँ कहाँ के लोग जुड़ते हैं आपके साथ? मैं सिर्फ इंडिया के सारे लोग जुड़ते हैं, मैं आउट ऑफ इंडिया भी गई हूँ एक बार इंटरनेशनल के लिए। या और दिल्ली में भी बहुत जगह घूमी हूँ योगा के लिए, नेशनल लेवल खेल रखा है मैंने, नेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ योगा में। या अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, मैं एडवांस योगा करते हैं। एडवांस योगा चल रहा है। तो योगा तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट कहते हैं, हो जाता है। उसमें मेडिटेशन वगैरह सब कुछ, मेडिटेशन, प्राणायाम, आसन, यम नियम, आसन प्राणायाम के आठ प्रकार होते हैं, वो सब सब कुछ इसके अंदर। तो यहाँ पहले आने का कभी मौका नहीं मिला, बन नहीं बना, ये क्या रहा? आज जन्माष्टमी में इतना अच्छा उत्सव है तो आने रहता है। योगा करना चाहिए, क्या रहता है योगा का बेनिफिट रहता है? ऑब्वियसली आप योगा के साथ जुड़ोगे तो आप सिर्फ योगा से ही नहीं जुड़ रहे, आप पूरे स्पिरिचुअल पूरी सबके साथ जुड़ रहे हो, आपकी बॉडी फिट रहती है, आप योगा करने से आप हेल्दी रहते हो, फैट होने के कारण, बट अगर आपकी बॉडी फिट है तो आप सब कुछ कर सकते हो और मेंटली भी कहीं ना कहीं आप रिलैक्स रहते हो जब आप योगा करते हो। चलिए, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू, नमस्ते।